इनका आशीर्वाद जी हम क्या लो महाराज वो नहीं महाराज सवेरे आए थे बोले हमारे पगे में सब दोड़ो खाएंगे बोले कहा तुम्हें खा ला उन्हें क्या पता ये तिवारी हमारी दोनों इन्होंने नाम सुन लिया कल मैंने तो विश्राम कराया था वहाँ सहारघाट में चला वाली था जयकारा वीर बजरंग हनुमान जी का दरबार की जय जयकारा माँ काली चंडी रानी जी का दरबार की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय सत्य सनातन धर्म की जय साधु समाज की जय संत समाज की जय संत समाज की जय महाराज शांतिगिरी जी की शांतिगिरी महाराज की जय शांतिगिरी महाराज की जय शांतिगिरी महाराज की जय जय करो किले वाली माई दा दरबार की जय दरबार की जय माँ के प्यार की जय बोलिए शिवदास शिवकर्ण महाराज की जय बोलिए शिवदास शिवकर्ण महाराज की जय सर्वप्रथम आज्ञा व्रत की पावन पवित्र भागवत भूमि को मेरा बागम बाग प्रणाम नमस्कार जय हिंद जय भारत माता की सर्वगुरु समाज के चरणों में बागम बाग प्रणाम आज्ञा व्रत पावन पवित्र जो फतेहपुर जनपद है आपका उत्तर प्रदेश में पावन देव बलगाने गुआबा अमर सुरमाओं के घर की कही जाती है वहाँ से 25 मार्च 2022 से राष्ट्रीय संरक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा में निकला हुआ हूँ। ये आपके यूपी एमपी हरियाणा राजस्थान चंगेगढ़ हिमाचल होके हुए 30 नवंबर आपके चंगेगांगी मचेंग माता के गढ़वाल में पहुँचे। वहाँ पे आज जो ब्रिटिश हुकूमत का आपने पीछे देखा सुख शांति का जीवन आज हम सभी जी रहे हैं तो ये देनदाता हमारे वही हैं जो वीर बलगानी सुकंका सिंगानी हैं उनके लिए ये मेरी पदयात्रा एक श्रद्धांजलि के तौर पर निकाली जा रही है। और दूसरा आज हमारी जल खलवायु जो सेनाएं खड़ी हैं सरहद पर जिनके बदौलत हम सुख चैन की रोटी लेते हैं सांसें लेते हैं उनके प्रति बच्चा बच्चा गांव नगर खलिहानों में रहते हुए हम सभी लोग कम से कम 5 मिनट की दैवी सुरक्षा शक्ति की कामना करें क्योंकि मातृभूमि के लिए अमर शान पहचान हो माँ तुम्हारी ये बलिदान कर जाए तन मन पुजारी गंगा और यमुना अमर सरयू के जैसे चले संगंगा में तुम्हारे हमारा जय वीरों की जंगी जय कर्म की धारा तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। आज जो हमारे नवयुवा भाई बंधु हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो आज हमें आज़ादी का सकंका की जो सांसें हैं ये कितने हमारे सैकड़ों गुर्जरों ने सैकड़ों हमारे सेनानियों ने माताओं भाई बहन बुजुर्गों ने बलिदान दिया तब जाकर हमको सुख शांति का जीवन दान मिला। उन्हें ऐसे जाया नहीं देना चाहिए क्या यही समझ कर हमारे बलिदानियों ने बलिदान दिया था कि आने वाला नवयुवा नशों में घिरेगा बस स्तंगों में सुनसान गलियों में चौगाहों पर फिरेगा। नहीं इनको ऐसा बनना चाहिए कि मगना है तो मगो घास के हित ऐसे मायने में क्या रखा है ये भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है कितना प्यारा मेरा बच्चा है। आजादी की इस आग में समस्त प्रत्येक समुदाय ने सब लोगों ने अपना बगचा के हिस्सा लिया है कब जाकर ये सुख चैन की सांसों का हमें सबेरा मिला है कि जंगमा ना कोई हिंदू मुस्लिम जंगमा ना सिख ईसाई जंगमा है मांगो धरती पर मांगो बंग मेरे भाई मांगो बंग मेरे भाई। इस एकता अखंडता समानता की यात्रा को लेकर आपके 25 मार्च 2022 ग्राम खगौली पोस्ट मिलाई खाना औंक से हम चले हुए हैं जो फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश का मचेल माका से होते हुए अब आपके श्री माका कन्याकुमारी की ओर रामेश्वरम की ओर हमें जाना है यही मेरी प्रत्याशा है। नमस्कार जय हिंद जय भारत माता की। उन्होंने बोला फतेहपुर से हम आए जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पावन धरती है ये समझ लो कि ये चरण हम जहाँ खड़े हैं ये चरण पाद का है ये तो जम्मू में ये चंडी माता तो है ही है जम्मू में बाबे वाली माता और रही वैष्णो माता है तो मूर्खों को भी क्षमा कर देती है रही बाबे वाली माता और एक किले वाली माता। बाबे वाली माता वो तवी पुल को रोका है और किले वाली माता इस पुल को रोका है 3-4 बार उड़ाने को पुल भेजा सिर्फ एक यहाँ कन्या वो सामने दो बची है यही दिखती थी और पानी दिखता था। तो आज ये जम्मू कश्मीर वाले हम कहलाते हैं हम जम्मू कश्मीर के हैं आज हम पाकिस्तानी कहलाते लेकिन आज ये किले वाली माता बाबे वाली माता की देन है कि आज हम जम्मू कश्मीर की शान समझते हैं वो सच्चे दरबार की जय तो हम पे बाबे वाली या किले वाली को नहीं भूलना चाहिए। आज ये है तो हम हिंदू हैं और नहीं तो आज हम पाकिस्तानी मुसलमान होते वो सच्चे दरबार की जय फिर अतिक जैसा बहुत पैदा होते आज योगी है तो आज यूपी के
हिंदू ठीक है, ठीक है, नहीं तो ये क्या ठीक है, चल भी नहीं सकते थे कदम। तो हम तो दुआ करते चंडी माता बाबे वाली और किले वाली की कि ये नहीं होते तो आज हम लोग कोई भी नहीं होते। जयकारा माँ चंडी का, परम श्रद्धे शांतिगिरी महाराज जी जिनके चरणों में आज हम बैठे हुए हैं, और हमारे जो एक महान संत, मैं कहूँगा ये धरती ही जो संतों की है, भारतवर्ष जो है, और संतों ने ही इसको बचाया हुआ, तभी इतने आक्रमण हुए, इतना कुछ इस पर आघात हुआ। जैसे कहता है जुरान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, तो धरती तो वही है लेकिन संस्कृति मिट गई। बची किस लिए है कि जो हमारे संत हैं जिन्होंने अपना कोई स्वार्थ नहीं है, शिवकर्ण शिवदास जी जो हमारे फतेहपुर से चले हुए हैं, पैदल अकेले चल रहे हैं, और कहाँ मलेज मचेल माता गए हैं, उसके बाद अब कन्याकुमारी जाएंगे। मैं बहुत जल्दी वैष्णो देवी से होकर, तो मैं कहने का मतलब यह है कि बहुत बोलने में बड़ा जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन इसमें महीनों लग जाएंगे चलने में, और क्या कोई अपना स्वार्थ नहीं है, तो किस स्वार्थ क्या है, देश सेवा। ये हमारा देश जो है, इसकी जो धरती है, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और जो हमारी संस्कृति है ये अक्षुण रहे, ये सुरक्षित रहे, और जो हमारे वीर जवान जो शहादत दे रहे हैं, जो बलिदान दे रहे हैं इस भारत माता के लिए, उन सबको कहीं ना कहीं एक माता अपने चरणों में स्थान दे, यही है। और हमारा भारतवर्ष जो है पुनः विश्व गुरु बने, हम सुपर पावर नहीं कहते, हम विश्व गुरु कहते हैं, जिसमें हर आदमी, हर संस्कृति, हर जन जो जीव जंतु है उसके लिए सुख की साधना है, उसके लिए एक कामना है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारा भला, हम सबका भला करने वाले लोग हैं। तो मैं ये कहूँगा, परसों ये जसरोटा माता में थे, कल ये उधर थे, हमारा सारगढ़ वाला जो मंदिर है वहाँ थे, आज ये हमारा जो किले वाली माता मंदिर है यहाँ है, अब ये पंजाब को प्रस्थान कर रहे हैं, मैं इनको शुभकामना ही दे सकता हूँ, और यही कहूँगा कि भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि ये अपनी यात्रा में पूरी तरह से सफल हो, और हमारा जो देश है ये पुनः विश्व गुरु बने। जय श्री राम, जय भारत। जैसे कि आपको पता है कि हमारे गुरुजी जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, सबसे पहले हमारा नमन शांतिगिरी महाराज जी जो परम पूजनीय आदरणीय हमारे लखनपुर किला मंदिर के महंत हैं, इनको हमारा सादर प्रणाम डोगरा साहब, और हमारे ये फतेहपुर से जो आए हैं, तो इनका एक ही मकसद है कि हमारे पूरे विश्व और देश में जो शांति है वो होनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म है, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि किसी के साथ धग्गा फसाद करो, हमारा धर्म यही चाहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कष्ट दुख भागवे, कि पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का जो है वो कल्याण हो, और सभी के जो कष्ट दुख हैं वो दूर हो। और इनको हम एक और नमन करते हैं कि जो हमारे देश के, भारत के जो वीर जवान हैं, जो आई दिनों बॉर्डरों पे बैठे हैं, तो हम उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। अगर वो लोग अगर बॉर्डर पे ना होते तो हम लोग यहाँ धरती पे नहीं चल सकते हैं। तो हम इनको भी नमन करते हैं जो इतनी पैदल यात्रा जो है मचेल माता होते हुए, वैष्णो देवी होते हुए, जसरोटे वाली माता से होते हुए, आज लखनपुर किला मंदिर में इन्होंने पिछले रात का जो इन्होंने विश्राम जो स्थल था वो यहाँ था, और आज ये अभी जो है ये पंजाब की तरफ जा रहे हैं, और पंजाब से होते हुए पूरे भारत से होते हुए लास्ट में इनका समापन जो है वो कन्याकुमारी में होगा। और इनका एक ही विषय है, इनका विषय यह है कि देश में जो शांति होनी चाहिए, हमारा जो भारतवर्ष है अखंड भारत जो है ये विश्व गुरु बनना चाहिए, और सारे भारत में जो है शांति होनी चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। हम भगवान से यही और महाभगवती से यही प्रार्थना करना चाहते हैं, हे प्रभु, हे माँ, इनको सतबुद्धि दो, ज्ञान दो, और इनको बल और बुद्धि दो, शक्ति दो, कि जो जहाँ से ये पैदल यात्रा करेंगे, हम इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री सीताराम। जहाँ पर महात्मा शिवकर्ण जी को अपने राज्य की सीमा पर विदा करने के लिए जहाँ पर कटरा से आए हैं, इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इस उम्र में इनके अंदर ये जज्बा है, इस उम्र में लोग अपने घर गृहस्थी दिखाने, कारोबार करने, गाड़ियाँ बंगले, इस किस्म की सोच लेकर चलते हैं, मगर ये अलग किस्म की सोच लेकर एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा निकाल दी। इनका जो जज्बा देकर, और हम इनकी इस जज्बे को और इनके जो काम करने का जो अपना एक अलग से तरीका निकाला है, इनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, और हम यही कहते हैं महा भगवती इनकी इस यात्रा को मंगलमय करे, और आने वाली हर कठिनाई को
इनको फेस करने की क्षमता पैदा हो इनमें, और ये जिस मिशन के लिए निकले हैं अपने सेनानियों के लिए, और ये बड़ी अच्छी सोच है कि कम से कम उन सेनानियों को जिनकी वजह से हमारा देश मजे से रात को चैन की नींद सोता है, उनको कम से कम साल में एक बार उनका एक ऐसा दिन होना चाहिए कि भगवान से उनके लिए एक प्रार्थना करने का एक ऐसा पूरा देश संकल्प करे कि इनको भी माँ इनकी आत्मा को शांति दे और सुख समृद्धि इनका परिवार में लाए। तो इनकी ये यात्रा मंगलमय हो, यही इसी कामना के साथ जय हिंद जय भारत।